उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने जालसाजों के एक ऐसे गैंग को दबोचा है जो इनकम टैक्स में छूट दिलाने के नाम पर ट्रस्ट और एनजीओ को अनुदान देने का फ्रॉड कर रहे थे। जालसाजी का यह धंधा कोई और नहीं बल्कि आठवीं पास दूध बेचने वाला शख्स चला रहा था। एक ठगों का गैंग है जो कुछ बड़ी कंपनीज को अप्रोच करते थे कि आप अपना सीएसआर की जो फंडिंग है वो इनके थ्रू एनजीओस में उसको राउट करें। 1,40,00,000 रुपया कैश है वो दिखाने के लिए एक किसी ब्रीफ केस में या फिर गत्ते के डिब्बे में कैश को ला करके और उसके ऊपर नोट चिपका करके रख करके एक कलेक्शन बनाते थे फंड का कि ये इतने करोड़ रुपया है ये हमारे पास है। जो भी इनके जो क्लाइंट आते थे इनके पास वो अगर ये कहते थे कि हमको ये आप छूने दीजिए हमको चेक करने दीजिए तो उसको छूने की कीमत ये 2,00,000 से 5,00,000 के बीच में बताते थे कि अगर आप इतना बयाना देंगे कमिटमेंट देंगे तो फिर आप इसको चेक कर सकते हैं।